हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही बढ़िया वीज़ा है ये। एक वीज़ा होता है जो लेकर आप 3 साल तक न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। फीस है 750, मतलब हो गया आपका 1400 रुपये, 1500 रुपये पकड़ लीजिए, 1500 रुपये के बराबर, ठीक है। और प्रोसेसिंग टाइम है 51 डेज़। बट फ्रेंड्स, आपको 20 से 25 दिनों में ये वीज़ा 100% मिल जाता है। फिर से देख लीजिए क्या है, अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, ठीक है। मतलब देखिए ये क्या है, ये वीज़ा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, योर वीज़ा विल बी वैलिड अप टू 3 ईयर्स इफ़ यू आर पेड एट और अबव द न्यूजीलैंड मीडियन वेज ऑफ इतना। ऑब्वियसली इससे ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है इससे ऊपर ही आपको पे करेगा, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। अब देखिए, अगर समझ लीजिए उससे कम पे करता है तो आपका वीज़ा 2 साल तक रहेगा, बट आजकल सबको इससे ऊपर पे किया जाता है, क्योंकि ये मिनिमम जो लेवल है सेट किया गया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से। अब देखिए यहाँ, और देखिए नीचे आ गया, हम स्टडी फॉर अप टू 3 मंथ्स इन एनी 12 मंथ पीरियड, मतलब आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, 30 घंटे आपको हफ्ते में काम करना है, 30 घंटे, ठीक है। इन सम केसेस बी एलिजिबल फॉर अ स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीज़ा, मतलब आपको क्या है कि अगर आपका काम अच्छा पाया गया तो आपको रेजिडेंस वीज़ा भी मिल सकता है, मतलब आप वहाँ के नागरिक भी बन सकते हैं। अगर आप फैमिली लेके आना चाहते हैं तो देखिए इस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार हम, कि ये देखिए, वीज़ा योर फैमिली कैन अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा फॉर योर पार्टनर विजिटर वीज़ा, मतलब समझ लीजिए आपको अगर इस वीज़ा पे, अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीज़ा पे अपनी फैमिली लेके आना है, इन 3 तरीके से आप लेके आ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसके बारे में ही बात करेंगे, इस वीज़ा के बारे में। ये वीज़ा क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हु कैन अप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिटी है, कैरेक्टर है, हेल्थ आपका होना चाहिए, जॉब ऑफ़र होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जॉब ऑफ़र मतलब क्या है, मतलब ऐसा एम्प्लॉयर जो आपको जॉब दे, ठीक है। अब जॉब करने के लिए आपको एम्प्लॉयर ढूंढने पड़ेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स आप एम्प्लॉयर कहाँ ढूंढ सकते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, गवर्नमेंट बैक्ड एम्प्लॉयर, जो गवर्नमेंट से अप्रूव है वो एम्प्लॉयर ढूंढिए। तो आते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आ गए। ये देखिए, ये है एम्प्लॉयर्स की लिस्ट, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए उनकी एक्सपायरी, जो उनकी गवर्नमेंट के साथ जो उनकी MOU हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से है, 12 अगस्त को इसका एक्सपायर हो रहा है। ये देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, ए से लेकर, ये देखिए इनका 2024, इनका 2025। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अगर आपको इन कंपनियों के बारे में जानना है आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, इस कंपनी को समझ लीजिए आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, उसके बाद आप इसको वेब सर्च जब मारेंगे तो ये एक नया पेज खुलेगा। देखिए ये अभी यहाँ पे जब आएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी का आ गया, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कंपनी की डिटेल आ गई यहाँ पे, समझ लीजिए आपने इस पर क्लिक किया अभी, ये देखिए फ्रेंड्स ये कंपनी की पूरी डिटेल आ गई यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उनके बारे में, फ़ोन नंबर है उनका, तो आप गूगल पर जाके उसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने हैं अपने हिसाब से, क्या करना है आपको, मतलब इस साइट पे आ जाना है, यहाँ एम्प्लॉयर ढूंढने हैं, उनको गूगल पे सर्च मार देना है, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जॉब में। वहाँ से आपको एम्प्लॉयर ने अगर सेलेक्ट कर लिया, एक कंफर्मेशन आएगा, उसको लेके आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि कैसे आपको करना है। ये देखिए यहाँ पर ओवरव्यू है, वीज़ा क्या है मैं आपको बता दूंगा। ये तो आपका वीज़ा हो गया, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको रियलमी अकाउंट वो खोलना होता है, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अप्लाई कर सकते हैं आप, मेरा बाकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है कितना है, 750। हाउ टू सबमिट ऑनलाइन होता है, पेमेंट मेथड्स एंड रिसीविंग ये सब ऑनलाइन है। कंडीशन मैंने आपको बता दी, नॉर्मल कंडीशन हैं, कुछ इसमें इतना बड़ा नहीं है फ्रेंड्स। इस वीज़ा के लिए अप्लाई करिए, बहुत ही बढ़िया वीज़ा है, क्योंकि अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो न्यूजीलैंड की नागरिकता पाने का सबसे अच्छा तरीका है। रिकवरी वीज़ा तो है ही, एक ये वीज़ा भी है फ्रेंड्स, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है फ्रेंड्स, मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस।